अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने ड्रग्स माफिया तस्लीम पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने आज उसके आलिशान घर को कुर्क कर लिया। निसाड़ी गेट थाना इलाके की शानदार कॉलोनी में स्थित इस आलिशान मकान की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके पर जमा भीड़ ने इसका हल्का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के तेवर देखते हुए सभी पीछे हट गए। तस्लीम पर गैंगस्टर 14A के तहत कार्रवाई करने के लिए पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। कुर्की से पहले लाउडस्पीकर पर बाकायदा इसकी घोषणा करते हुए कुर्की की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद IPS चंद्रकांत मीना ने यह जानकारी दी। तस्लीम जो है उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं NDTS एक्ट के, विभिन्न कैडियों में 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ में। अभी वर्तमान में 2/3 गैंगस्टर मुकदमा इन पे पंजीकृत हुआ था और उसी के तहत 14 की कार्रवाई हुई है। अभी संपत्ति रिकॉर्ड करी गई है। इसकी वर्तमान में जो कीमत है वो 1.5 करोड़ से ऊपर। ये गंभीर अपराध जो है अर्जित करते आए कई अर्सों से, और उस अपराध के उसको कुर्क किया जाएगा। देखिए बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा माफिया है, और मेरठ में आसपास कई इलाकों में करोड़ों की जो सूचना आई है उसकी हम उसकी भी हम जान पहचान कर रहे हैं, जान पड़ताल कर रहे हैं, और जैसे ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कई जनपदों में ये सूचना मिली है। कई जनपदों में इनका जो है ये जाल फैला हुआ है, और जो भी सहयोग करते आए हैं उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करी। इनके परिजन हैं, इनकी जो वाइफ हैं, इनके लड़के और दामाद हैं, उनके माध्यम से अब तक काम कारित करते हैं, उनके खिलाफ इनका मैं पंजीकृत हुआ। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मेरठ में ही है, जो अन्य जनपदों में इस तरह की सूचना मिली है, उनकी भी जाँच चल रही है। वर्तमान में इसका जो मूल्य है वो 1.5 करोड़ से ऊपर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।